Hello friends, this is Dr. Meenakshi. Welcome back to my channel. Today again, I'm here with PTE reading vocabulary. हाँ जी, तो पहले शुरू करते हैं मित्र जी, नाम नाम तुझे प्रैक्टिस जरूर करूंगे. नंबर वन, एनी. एनी इज अ डिटरमाइनर. फॉर एग्जाम्पल, एनी मीन्स कोई. आई डोंट हैव डैश चॉइस. आई डोंट हैव एनी चॉइस. एनी मीन्स कोई. सो मेरे को कोई चॉइस नहीं है. एनीबडी. एनीबडी की पुत्र जी प्रोनाउन है. एनीबडी इज अ प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नॉट डैश अराउंड. आरे द्वाले एनीबडी कोई भी नहीं सी. एग्जैक्टली. सो यू राइट देयर एनीबडी. क्लियर पुत्र? सो देयर वॉज नॉट एनीबडी अराउंड. अराउंड मीन्स ऑल ओवर. आरे द्वाले कोई भी नहीं सी. एनीथिंग अगेन प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, I was ready for anything. मैं किसी भी चीज दे ले तैयार सी. Anything किसी भी चीज दे ले. Anybody person दे ले use कर दिया. Any कोई. Next one is anyway. Adverb है पुत्र जी. Anyway कोई गल नहीं. I told you मैं तुम दसिया. It's all right सब ठीक है. And anyway it was my fault. So and बाद क्या आएगा पुत्र जी? एनी वे मेरी गलती सी. नेक्स्ट वन इज एनी वेयर. कितने भी प्लेस के लिए यूज करते हैं. एडवर्ब, ही कुडंट बी फाउंड डैश. वो कितने भी नहीं मिलिया. सो यू आर राइट देयर एनी वेयर. पुत्र जी एनी वेयर वी यूज फॉर अ प्लेस. कितने भी. यस, ही कुडंट बी फाउंड एनी वेयर. वो कितने भी नहीं मिलिया. अपार्टमेंट इज अ नाउन. अपार्टमेंट सबनों पता की होंगे पुत्र जी. दैट इज अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली लिव इन रेंटेड डैश. सो द फैमिली लिव इन रेंटेड अपार्टमेंट. आंसर विल बी अपार्टमेंट. गॉट इट? नेक्स्ट वन इज अप्लाई. अप्लाई करते हैं जब आप फॉर्म्स फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं ना पोस्ट भरन के लिए. एग्जैक्टली. सो दैट इज अ वर्ब पुत्र जी. क्रिया है अप्लाई करना. यू नीड टू डैश टू द लोकल अथॉरिटी फॉर अ ग्रांट. सो तुहानू अगर ग्रांट चाहिए तो उसके लिए तुहानू अप्लाई करना पड़ेगा कितने लोकल अथॉरिटी के कोल. यस. सो आंसर विल बी यू नीड टू अप्लाई. लोड है कि दी अप्लाई करने दी. एग्जैक्टली. किदे कोल? लोकल अथॉरिटी के कोल. किदे लिए? ग्रांट के लिए. नेक्स्ट वन इज आर्म. नॉट आर्म, इट्स आर्म. आर्म इज अ नाउन पुत्र जी. आर्म की है बाम नाउन. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड अ बेबी इन हर डैश. उन्हें बेबी नू अपने बाहों से पकड़िया. एग्जैक्टली. सो आंसर विल बी आर्म्स. बट आर्म प्लूरल विल बी देयर आर्म्स. गॉट इट? आर्म चेयर अगेन दैट इज अ नाउन पुत्र जी. आर्म चेयर पता ही है उदा चेयर जिंद साइड से लगे इदा आप जिन्हें बाहों ने रख के आराम बैठ सकते हैं. उन्होंने आपको बोलते हैं आर्म चेयर. She was sitting in a dash with a blanket wrapped around her. So, बैठी सीगी किधर? बैठी सीगी आर्म चेयर पे. बैठी सीगी कितना? ब्लैंकेट नो लपेट के. Exactly. So, एंड दोबारा आंसर किया गया पुत्र जी आर्म चेयर. Got it? Next one is around. Around means all over. आले दुबाले. Preposition है पुत्र जी. He walked dash the airfield. Airfield है आले दुबाले. कुम्या. He walked. Answer will be around. So he walked around the airfield. So ए अगले 10 words तुसी अज ते आना इन चेक करोगे. द मेन थिंग पुत्र जी, यू मस्ट नो अबाउट वेदर द गिवन वर्ड इज डिटरमाइनर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, राइट? सो दैट्स व्हाई मैं तुम्हें ये डेली बेसिस से 10 words दसूंगी. तुसी प्लीज इन्हें प्रैक्टिस जरूर करनी है. Okay, thank you. Have a nice time. Bye-bye.